हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, सुबह के 8 बजे हम 7:30 बजे उठे थे, हाथ मुंह धो के गाइस हम थोड़ा फ्रेश हो गए और गाइस अब हमारा जिम करने का टाइम हो गया है। आज गाइस मेरी लेग डे है, तो गाइस आज मैं लेग डे में अपनी स्क्वाट्स वगैरह मारूंगा और लेग डे के साथ मैं अपने स्ट्रैप मसल्स की भी एक्सरसाइजेस करूँगा। तो गाइस जिम करने के बाद एग भी मेरे बॉयल हो गए हैं आज। तो गाइस फिर आपसे डायरेक्ट तैयार होके मिलते हैं। आज हमें बरवाला रूल पोस्टिंग में नहीं जाना, आज हमें डायरेक्ट डिपार्टमेंट जाना है। कोई हमारी प्रेजेंटेशन होगी पोस्टिंग में कहीं जाके, तो जहाँ पे हमें प्रेजेंट वगैरह करना है, चार्ट वगैरह बना के। तो गाइस चलिए आपको फिर मिलते हैं जिम करने के बाद नहाने के बाद। ओके गाइस बाय। तो गाइस 9:30 बज गए हैं। तो गाइस आज हमें PSM डिपार्टमेंट जाना है। PSM में एक म्यूजियम है, हमारा PSM म्यूजियम, उसके सामने वाले रूम में हमें बुलाया है। तो गाइस चलिए आपसे वहीं चल के बात करते हैं। ठीक है गाइस बाय। हम OBH से एग्जिट लेते हुए म्यूजियम के सामने वाला रूम बोला, लेट ना हो गया यार। तो गाइज यहाँ पे हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है, यहाँ पे बॉटल फ्लिपिंग चैलेंज चल रहा है। चेतन करेगा आप? ओ कोई नहीं कोई नहीं। और गाइज जो प्राइस मनी है वो 2000 रुपीज है, तो जिसने सबसे ज्यादा बार बॉटल फ्लिपिंग करी बेस्ट आउट ऑफ 5 वो जीतेगा। ओ चेतन का 1 हो गया, 5 होएंगे टोटल, 5 में से स्कोर होएगा। छवि की बारी, 0 जीरो। दीपू डॉक्टर चेतन डोमिनेट करते हुए गेम को। ओ डॉक्टर छवि की बारी, डॉक्टर देवव्रत की बारी। ओ जस्ट बचते हुए डॉक्टर देवव्रत, डॉक्टर देव की बारी। तीसरा राउंड है, चेतन स्टिल डोमिनेट कर रहा है। ओ ये आउट ऑफ द फील्ड, ये इनवैलिड है, इनवैलिड है। ओ लास्ट सेकंड राउंड है, फोर्थ राउंड है, लगता है डॉक्टर चेतन जीतने वाले हैं। ओ नजर लगा दी, कोई नहीं, फिर भी वो जीत ही रहा है। ओ भाई 2000 रुपीज की बात है, बहुत सारे पैसे हैं। ओ डॉक्टर देव, कोई नहीं, फिर फाइनल हो जाएगा तुम्हारे बीच। ओ देव देव की बारी, अच्छा जीत गया ना, नहीं अच्छा लास्ट राउंड देव, तो देव वर्सेस चेतन देखते हैं। अब देव ने कर दिया तो ड्रॉ। ओ What the fuck guys? अब बेस्ट आउट ऑफ 3 कर देंगे, बेस्ट आउट ऑफ 3 है। कोई नहीं कर तीनों एक ही बारी में, कोई नहीं तू तीसरी भी कर। ओ बढ़िया। नहीं लास्ट बारी जल्दी। ओ रे डॉक्टर चेतन 2000 रुपीज के विजेता होते हुए, तो चेतन आपको कैसा लग रहा है 2000 रुपए जीत के? ये गाइस मेट्रो अपडेट हो गया, गाइस ये जो बंदा है ना ये लुटेज में मुझे किंग कॉन्ग प्लेनेट ऑफ द एप्स वाली वाइब दे रहा है। हाँ ये तो गाइस MCP आ गए, श्री लेदर जाना है गाइस, हमें बेल्ट ले लो। श्री लेदर आ गए गाइस, हाँ यहाँ पे टेंशन है, अरे 2-3 बैग में भी डालेंगे, बैग में बैग डाल लेंगे। ओ बेल्ट ही बेल्ट है भाई, क्या रेट है इनके? 445 सही बोल रहा था तू, टैक्सी नहीं लग रहा है जैसे, देखिए जो लॉन्ग टर्म चल पाए समझ रहा, और जिसका ऐसे ऊपर से वो ना हो पाए तो जो होता है ना। चल तू इतनी देख ले, मैं बना
गाइस यहाँ पे श्री लेदर्स में पर्स वगैरह मिलते हैं। ये वॉलेट है, छुप छुप के बना लेंगे। अच्छा प्राइस लिखे हुए हैं, सही यार। और ये लेजिटिमेट होंगे आई गेस, है ना। जैसे ये देख भाई, ये तो बनती भी है भाई 8,500 की। पोर्सलिन वगैरह से पीओपी से यार, ये साउंड भी आते हैं बाहर तो नॉर्मल नहीं मिलते। 105 का बस ये बोलते है ना यार, लेकिन वो जैसे करा है। हाँ कील्स वाले बेटी की यार, बोन चाइना से अच्छे नहीं लग रहे हैं देखो। 52 का एक है। कॉफी वगैरह सही है यार, चिक स्किन करिए सही यार, हनी बहुत सही चीज होती है भाई, शायद वादा। ओ बेटे इतने बड़े बड़े क्या होता है इनका एवरेज प्राइस, जैसे 380 हो है? ये यार गाइस मेडिसिनल बेनिफिट से पॉज करके देख लेना, हनी विद लेमन वेट लॉस के लिए होती है गुनगुने पानी में। ये क्या है भाई, सही है यार, एरोमा वगैरह इतर वगैरह होते हैं गाइस। ये देखो भाई डेनिम वगैरह से बना रखा है कपड़े, ऐसे रियूजेबल टाइप। ये तो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, लड़कियों के तो सब महंगे हो जाते हैं यार। मुझे नारू जैकेट देखनी है, कुर्ते भी सही है यार। अच्छा क्या बोल रहे हो, 40%? अरे कोई नेहरू जैकेट देखना है ऐसी स्टैंडर्ड सी, कितने की होती होगी? ये तो बेकार वाली है, अच्छी वाली जो होती है। ये तो अजीब सी है यार, लड़कियों का है वो है। ये ब्लाइंड स्पॉट भी है, यहाँ से कोई नहीं देखेगा, लेकिन लड़कियों के ही नहीं लग रहे, बच्चों के लग रहे हैं। तो बच्चे भी लड़की होते हैं, नहीं लग रहा ना, छोटा 1577 भाई। खादी भी अलग तरीके की होती है यार, एक्चुअली वो हैंडमेड है ना सारा, प्राइस पे रीजनेबल है। ये पूर अच्छा होता ही है, कितना है भाई? सही है यार, और खादी शायद से ठंडा होता है, गर्म गर्मी होता होगा। ये मस्त लग रही है यार मुझे, 655 की है। बोलते क्या इसे, टोपी तो नहीं बोलते यार, ऐसी फिट से नहीं आ रही, बड़ा अजीब सा लग रहा है भाई। नरेंद्र मोदी का साइन ऐसे सस्ता फोटोग्राफ गाइस। ये देखो ये हम अपने कॉन्वोकेशन डे में पहन के जाएंगे। रेट 1460 है भाई, बहुत मस्त लग रहा है यार। ये गाइस खादी भंडार, अरे हम रॉ व्लॉग्स बनाते हैं भैया, म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स। अच्छा अच्छा, अरे हमारा बिल्कुल स्टैंडर्ड जो बेसिक होता है यार। भैया बता रहे हैं इसकी मल्टीपल चेन्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली, बस पैन इंडिया में एक ही है इनकी। 50 से ज्यादा इल्यूजन्स हैं, प्राइजेस इसके ये हैं। अप्रैल में ऑफर इसका 500 है एडल्ट्स वाला, तो गाइस ट्राई कर सकते हैं आप, अच्छा बना रखा है ये गाइस। हम लेंस कार्ट आए हुए हैं, ये मेरा दोस्त, ये सही है ये, हाँ सो मेरे प्लास्टिक और वाले इनमें, हाँ वो अच्छा लग रहा है। चीज भी है, बाय वन गेट वन, जॉन जेकब्स, कैसे कैसे लग रहा है दिखा दिखा सामने देख। वो भाई वो उठा ले जो थे ना एक बार, समझ रहा है सबसे बड़ा यहीं पे देखेंगे, मार्क स्पेंसर के ऊपर बोल, यहीं पे देखेंगे। जर्सी भी है, KGF भी है। जर्सी वो यहाँ पे सांप सूप, ये तो पता है सांप सूप का तो सीन नहीं होगा ना यहाँ पे,
कोई ना, ओ भाई ये तो क्रेजी शिट है, यहाँ तो रात को पार्टी करो भाई। लैंडस्केप प्लान ऑफ पार्क एंड वुडलैंड, ये पेड़ है अंदर। 73.14 एकड़ में बना हुआ है गाइस, पार्क एंड वुडलैंड भूली बटियारी डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर। बहुत सारी स्पीशीज भी थी आगे बोर्ड पे लिखा हुआ था ना, सही मेंटेन कर रखा है गाइस, तो सफारी वाली फील आ रही है। भैया बता रहे हैं आगे राइट साइड जाके एक है छोटी सी लेक, बैम्बू का पेड़ है भैया। What the fuck, दिल्ली में? क्या बात कर रहा है? अच्छा दिल्ली सल्तनत वालों के टाइम पे छोटे छोटे बना रखे हैं इसलिए। थोड़ा हॉरर शिट है शाम के लिए, थोड़ा देखे भाई मस्त चीज है। अरे मत, अच्छा यही थी जो गूगल फोटोज में दिखा रहे थे ना, ये भाई बंदे हिमालयन बाइक लेके आए हुए हैं, प्रॉपर मस्त होती है। अरे बहुत चलाई है मैंने, मनाली में चलाई थी भाई, ये तो क्रेजी है भाई, यहाँ तो वीडियोग्राफी के लिए भी घंटा मना नहीं करें। देख मुझे तो एंट्री से हॉरर फील आ रही है भाई। अरे वो तो नहीं है वही लेक, यहाँ पे भी राजा नहाता हुआ शायद से, ये तो नेशनल मॉन्यूमेंट तो हुआ नहीं है, तो कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। अरे क्योंकि जो नेशनल मॉन्यूमेंट होते हैं ना उनकी अलग से अथॉरिटी होती है, उन्हें ऐसे चेंज नहीं कर सकते। अब भाई है पता है जो टेम्पल्स आते हैं ना वो आते हैं स्टेट सब्जेक्ट में, पर जगन्नाथ है ना उसके लिए भी फाइट हो रही है सेंट्रल स्टेट के बीच में, स्टेट ऑफ ओडिशा के बीच में, कि कौन उसको मॉडिफाई कर सकता है। तो गाइस भाई अच्छा यहाँ पे कुछ खेलते वगैरह होंगे, राजा रानी खेलते होंगे भाई यहाँ पे पकड़म पकड़ा। ये है गाइस इनका छोटा सा कमरा, यहाँ पे भाई ये इनका जाएगा आगे। सही है यार यहाँ पे पता नहीं क्या ही करते होंगे, हंटिंग है तो मैं ये इनका नहाने वगैरह का होता हुआ कुछ। भाई सही तो है यार, अच्छा यहाँ से प्रोटेक्ट होके भी कर सकता था ना, हेडशॉट फिर डायनेमो बोलता होगा पीछे पट से हेडशॉट। नहीं सही इमेजिन करो यहाँ पे फिर उनका कुछ होता होगा, लग रहा है ना पूरा हंटिंग ग्राउंड ही लग रहा है भाई, यही है ना यही गंदा करते हैं, यही गंदा कर देते हैं गाइस। देखो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो गंदे गंदे यूट्यूबर्स है ना जो गालियां वगैरह देते हैं उन्हें बैन करवाओ भाई, उन्हीं की वजह से जनता बिगड़ रही है। ये क्या है भाई, ये मुझे लगता है नहाने वगैरह का होगा सीन भाई, जो भी हो हाँ ये नहाने का ही लग रहा है। अच्छा यहाँ से चला जाएगा, अच्छा यहाँ पे कैंडल वगैरह लगा लेंगे, ये मेल फीमेल तो क्या डिफरेंस है। उस टाइम पे तो यूनिसेक्स होता होगा सब, उस टाइम पे नहीं। अरे बराबर सा लग रहा है मुझे ना, आज के टाइम पे तो अलग अलग कर देते हैं ये पता नहीं। अच्छा डायरेक्ट ब्लॉक करने के लिए गाइस मोबाइल, हेलो गाइस, तो आई होप आपको मेरा भोली बटियारी का ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा जिसमें मैंने बॉटल फ्लिप वाला भी चैलेंज करवाया अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए गाइस लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, और गाइस शेयर करना मत भूलना ब्लॉग को, ठीक है गाइस, बाय, अलविदा।